हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। सुबह जब मैं रीडिंग कर रही थी तभी मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मैं दही भले खाई थी, साथ में मैं रीडिंग भी इंजॉय कर रही थी। पहले जो मैं बुक पढ़ रही थी उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने सोचा कि बीच में गैप नहीं आना चाहिए, तो मैंने अब दूसरी बुक जो है वो रीड करना शुरू कर लिया है, ताकि इससे भी थोड़ा बहुत मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा जी, पूरे टाइम में जब वीडियो बनानी होती है, फिर यहाँ पे शादी वाला माहौल भी है, तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं हो पाता। तो फिर शाम को मैं अम्मी के घर भी चली जाती हूँ, और आज मैं लगा रही थी दादा अब्बू को दवाई, क्योंकि उनके पाँव पर है फंगल इन्फेक्शन और ये काफ़ी टाइम से है। पहले आप ही क्या करती थी उनकी केयर वगैरह, पाँव की जितनी दवाई लगानी होती थी तब ना, शुरू में तब ये हुआ था। उसके बाद आप ही की शादी होगी तो मैं करती थी, फिर मेरी शादी होगी, आज भी दादा अब्बू दवाई लगा रहे थे, तो मैंने देखा इनकी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई। वैसे ये प्रॉब्लम सीजनल है, कुछ टाइम के लिए शायद ये ठीक हो जाती है, क्योंकि मैंने जब भी नोट किया दादा वो कुछ टाइम तो ये दवाई वगैरह लगाते हैं, बाकी टाइम वो दवाई वगैरह नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब साल का कुछ टाइम करते हैं और कुछ टाइम नहीं करते। अब पता नहीं ये मेन प्रॉब्लम ख़त्म कैसे होगी, इसको क्या प्रॉब्लम है। पहले तो ये वाइटिश था, लेकिन अब ये ना ग्रीनिश शेड में हो गया है। अब पता नहीं इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये जो इनकी दवाइयाँ हैं ना, ये डॉक्टर ने ही हमें बताई हैं, हम खुद से कोई तजर्बा वजर्बा नहीं कर रहे। अगर आप में से किसी को ये पता हो कि ये प्रॉब्लम किसी और चीज़ से ठीक हो सकती है, तो नीचे कमेंट कर देना। हम लोग ना इसको बायोडीन वाले पानी से गर्म पानी करके उसी के अंदर बायोडीन डालते हैं, फिर उसी से पाँव धो लेते हैं, उसके बाद उसे किसी चीज़ से ड्राई करके। इस बार तो डॉक्टर ने लगाने के लिए कोई दवाई नहीं दी, पिछली बार ना उन्होंने दवाई दी थी तो फिर हम वो भी लगा लिया करते थे। इस बार खाने की कोई टैबलेट्स वगैरह उन्होंने दी हैं, तो वो भी दादा बुखार रहे हैं, यूज़ में आया है अभी। शाम को हम लोग गए थे खाला के घर ये डिसाइड करने कि हमें ड्रेसेस किस स्टाइल के और किस तरीके के लेने चाहिए, क्योंकि सीने तो खाला नहीं है। अम्मी भी हेल्प करवा लेती, लेकिन अम्मी तो फिर शादी वाले घर में होंगी तो उसी में ही मसरूफ़ रहेंगी, और कपड़े भी हमें जल्दी सीने होंगे ताकि हम सकून से अपनी शादी इंजॉय कर सकें। फिर हम लोग वापस घर आए थे तो हमने खाई थी मिठाई, क्योंकि हदीसे के साथ ही उसका ही हमने न्याज वगैरह खाई थी। और यहाँ पर हम सब मिलकर सेलेक्ट कर रहे हैं शादी कार्ड। यहाँ पर ये जो कलरफुल वाले है ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, बस हम ऐसे ही चेक कर रहे थे। हमें ना मोस्टली वाइट कलर के पसंद आ रहे थे, वाइट में या सिंपल ब्लैक वाले में ही हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। भैया ने भी हमें दो डिज़ाइन भेजे थे, वो भी वैसे ही थे, वाइट और ब्लैक में। लेकिन बात यह है कि अभी तक अपनी शादी कार्ड जो था वो सेलेक्ट नहीं किया था। ये जो वाइट वाले हैं ना, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। और इसमें एक दो और भी थे, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक वाले। ये वाला जो था हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मेरे शादी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था यही सहरा जो इस वक्त दादा अबू गा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हसन भैया की शादी के कार्ड के ऊपर भी ना वही हमें लिखवाना है, मुझे कोई और पसंद नहीं आ रहा है शादी कार्ड। ठीक है, ये देखो हसन दा कांड आई में छपाऊ, ये जाओ वे हसन वास्ते, हसन वास्ते ये जा छपाऊ, क्या करूं, कांडा सही है, कांडा ही हो, कांडा छपाऊ, ये जा क्या करूं, कांडा तू एलो वाला दादा ना कहना नहीं, मैं कर ये अभी दादा हसन भैया दा कांड है, ये जा होवे, ये जा अच्छा अच्छा बस बस वो तो उसे जा सराकी सराकी ये भी ये मेरे को बच्चा है ये सराकी मैं दी बेंच पास करा था। हमारे दादा अबू थोड़ा कम ज़रूर सुनते हैं, लेकिन वो बहुत मज़े के हैं, छोटे बच्चों के साथ छोटे बन जाते हैं, और जब उन्हें कोई अच्छी बात बतानी होती है तो वो बहुत अच्छे अच्छे हमें लेक्चर्स भी देते हैं, और ये बात उन्हें सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। खाने में मैं बना रही हूँ आलू और अंडे। आलू अंडे अम्मी के घर में नहीं बनते थे, वहाँ हम लोग खाते थे प्याज और अंडे, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है और हमारे घर में सबको पसंद था, और यहाँ पर सबको पसंद है आलू और अंडे। इसकी रेसिपी सिंपल सी है, आप लोगों ने ऑयल लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने डालने हैं प्याज, थोड़ा सा प्याज को पका कर उसके अंदर आप डालने हैं सारे मसाले वगैरह, क्योंकि मिर्ची को अच्छे तरीके से पकाना है, लेकिन उसे जलाना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बस मिर्ची डालनी होती है, थोड़ा सा चम्मच हिला और फ़ौरन से उसके अंदर टमाटर डाल दो, फिर अच्छे तरीके से टमाटरों को पका लेना है। जब टमाटर ऐसे गायब वायब हो जाए ना, नज़र ही ना आए, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालने हैं अपने आलू और मिर्च। फिर इस आलू को पकाओ, पानी डालना है तो पानी डालो, अगर नहीं है ज़रूरत तो ना डालो। अंडे डाल के आपका सालन रेडी है।
और ये सालन बहुत ही ज़्यादा यमी बना था, अब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जब मैं दिन को थक जाती हूँ ना तो फिर शाम को मैं पीती हूँ चाय, और आज मैंने टैबलेट भी नहीं लेनी थी इसलिए मैंने चाय पी बिस्किट के साथ में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट से ही पता लगता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके जी, बाय।